हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, सीजीपीएससी ई पाठशाला का टेस्ट सीरीज सीजीपीएससी प्री 2021 को टारगेट करते हुए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है आपके 1 नवंबर से, जिसका रजिस्ट्रेशन आज से ओपन कर दिया गया है। जिस किसी को भी रजिस्ट्रेशन कराना है, नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान समझते हुए चलिएगा। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपका महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय ये खोला जा रहा है आपके सांकरा पाटन ब्लॉक दुर्ग, दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के सांकरा में आपका महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय आपका खोला जाएगा। अभी केवल भूमि पूजन हुआ है, लगभग 90 एकड़ क्षेत्र में इसे स्थापित किया जा रहा है। यह हमारे प्रदेश का पहला हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी होगा। हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी, ठीक है, उद्यानिकी या बागवानी, यह हमारे प्रदेश का पहला हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी होगा। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, इसका भूमि पूजन अभी हाल ही में जब आपका महात्मा गांधी का जब जन्म जयंती 2 अक्टूबर को मनाया गया, तब इसका भूमि पूजन किया गया था। लगभग 90 एकड़ क्षेत्र में इसे बनाया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहां पर प्रस्तावित है, तो कहां है, साकरा पाटन ब्लॉक दुर्ग में। नेक्स्ट है आपका market.tribesindia.com, ये नेशनल लेवल का करंट अफेयर है, लेकिन इसमें हमारे छत्तीसगढ़ से भी रिलेटेड कुछ आंकड़े हैं, ध्यान समझिएगा। इसे विकसित किया गया है केंद्रीय जनजाति मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय जनजाति मंत्रालय के द्वारा market.tribesindia.com इसे विकसित किया गया है। क्या है ये? भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प एवं जैव उत्पाद का बाजार है। भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प यानी कि हाथों से जो कारीगरी करके जो कपड़े बनाए जाते हैं, जो आपकी वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे हमारे प्रदेश में आपके ढोकरा शिल्प है, तो हस्तशिल्प एवं जैव उत्पाद जैसे आपके ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैव उत्पाद, तो इसके लिए एक आपका इंटरनेट पोर्टल एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है आपके केंद्रीय जनजाति मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, market.tribesindia.com। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, ट्राइफेड के माध्यम से इन उत्पादों को मार्केट तक पहुंचाना। इन उत्पादों का मतलब यही हस्तशिल्प और आपके जैव उत्पाद, इन्हें जो है आपके ट्राइफेड के माध्यम से, ट्राइफेड जो कि जनजातीय क्षेत्र में कार्य करने वाली एक संस्था है, ट्राइफेड के माध्यम से इन उत्पाद को मार्केट तक पहुंचाना इंटरनेट के माध्यम से। देखिए, छत्तीसगढ़ से शामिल, ये तो आपके नेशनल लेवल का करंट अफेयर है, जिसमें आपका हमको याद रखना है कि केंद्रीय जनजाति मंत्रालय के द्वारा market.tribesindia.com इसकी शुरुआत की गई है। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ से इमली चस्का एक प्रोडक्ट है, इमली चस्का, इसका पूरा नाम है इमली चस्का टेस्ट ऑफ सुकमा। हमारे सुकमा जिले की एक आपकी समिति है, अरण्य प्रसंस्करण सहकारी समिति, जिसके द्वारा आपके इमली चस्का यानी कि एक प्रकार का जो है आपका इमली के जूस टाइप का प्रोडक्ट है। देखिए, इमली चस्का टेस्ट ऑफ सुकमा ये प्रोडक्ट का पूरा नाम है, ये इसे जगह मिली है आपके market.tribesindia.com में, ठीक है। हमारे प्रदेश से शामिल एकमात्र उत्पाद है आपका इमली चस्का टेस्ट ऑफ सुकमा, जिसे market.tribesindia.com में जगह मिली है, यानी कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इसकी सेल हो रही है। देखिए, इसका उत्पादन करने वाली समिति का नाम है अरण्य प्रसंस्करण सहकारी समिति। अलग अलग वैरायटी में ये उपलब्ध है, 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम यूजलेस है, लेकिन याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका गांधीग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है आपके कुलगांव। देखिए, गांधी जी का कहना था कि जो भारत का जो दिल है वो गांव में बसता है, अगर हम गांव का विकास करें तो देश का ऑटोमेटिकली विकास हो जाएगा। तो इसी उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा समय समय पर आपके गाँव के विकास के लिए नए नए तरीके अपनाए जाते हैं, वैसे ही हमारे प्रदेश में आपके गांधी ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है कुलगांव को। कुलगांव जो कि कांकेर जिला में स्थित है, क्या है, ध्यान समझिएगा, ये एक आपका मल्टीपर्पस ट्रेनिंग हब है। लगभग 31 एकड़ भूमि पर बनाया गया मल्टीपर्पस ट्रेनिंग हब है। मल्टीपर्पस ट्रेनिंग हब यानी कि यहां पर युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा लाख पालन का, लाख जो कि गोंद के तरीके का होता है, लाख पालन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, डेयरी उद्योग, प्राकृतिक चिकित्सा, जैव कृषि उत्पाद आदि आदि से संबंधित प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी जाएगी।
उसी गांव को, उस गांव को जो है गांधी गांव के रूप में, गांधी ग्राम के रूप में उसे विकसित किया जा रहा है कांकेर जिले में। इससे क्या होगा, गांव के क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को रोजगार मिलेगा। ठीक, प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा कि गांधी ग्राम कुल गांव किस जिले में स्थित है, तो कांकेर जिले में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका झूमर गुफा। झूमर गुफा जो कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क और आपके दरभा वन प्रक्षेत्र के मध्य में स्थित है आपका ये झूमर गुफा, यानी कि बस्तर जिले के अंतर्गत आएगा। इस झूमर गुफा की लंबाई है आपके 180 मीटर लंबा यह गुफा, जो कि बस्तर जिले में अभी इसकी खोज की गई है। झूमर गुफा नाम से स्पष्ट, झूमर जो राजमहलों में जो आपके झूमर लटके रहते हैं। अब इस गुफा का नाम झूमर गुफा क्यों पड़ा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो है आपका स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट की चट्टाने हैं। अब ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट ये चट्टाने होती क्या है, इन चट्टानों का निर्माण करोड़ों वर्षों में होता है। जैसे कि आपके गुफा है, गुफा के ऊपरी दीवारों से पानी लगातार रिसता है, उस पानी में जो है आपके चूने की मात्रा होती है, लेकिन जब वो रिसता हुआ पानी जमीन में गिरने से पहले ही, टपकने के दौरान ही अगर वो पानी सूख जाए तो वो सख्त पत्थर का आकार ले लेता है। ये एक दो दिन का प्रोसेस नहीं है, इसे बनने में करोड़ों सालों का समय लगता है, करोड़ों वर्षों में इन चट्टानों का निर्माण होता है। तो वैसे बहुत सी आपकी लटकती हुई चट्टाने यहां पर मौजूद है जो कि राजमहल के झूमर की तरह दिखते हैं, इसलिए इस गुफा को नाम दिया गया है आपका झूमर गुफा, जो कि आपके स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट चट्टानों से संबंधित, यहाँ मतलब स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट चट्टाने यहां पर मौजूद है जो कि झूमर का आकार ले चुकी है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, हमारे प्रदेश में ऐसी चट्टाने और एक गुफा में पाई जाती है आपके कुटुम्बसर की गुफा, ये भी आपके बस्तर में स्थित है, कुटुम्बसर की गुफा और झूमर की गुफा जहां पर ये चट्टाने पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मध्य भारत की सबसे बड़ी जैन दादाबाड़ी, मध्य भारत की सबसे बड़ी जैन दादाबाड़ी, दादाबाड़ी यानी कि जैन धर्म से संबंधित एक पूजा स्थल। ठीक, देखिए कहां पर इसे स्थापित किया जा रहा है, इसे स्थापित किया जा रहा है रायपुर में। इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है वर्ष 2019 से और अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2022 तक यह बनकर पूरा हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि मध्य भारत के जो सबसे बड़ा आपका जैन दादाबाड़ी बनाया जा रहा है, यहां पे जैन धर्म के 15वें तीर्थंकर भगवान धर्मनाथ की प्रतिमा होगी। भगवान धर्मनाथ जो कि जैन धर्म के 15वें तीर्थंकर है, जैन धर्म में टोटल आपके 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से हम प्रथम जो कि ऋषभ देव थे और आपके अंतिम जो कि आपके महावीर स्वामी जी है। इनके अलावा भी जो बीच में जो आपके 15वें नंबर के जो जैन तीर्थंकर है उनका नाम है आपके धर्मनाथ। तो धर्मनाथ से संबंधित जो है, धर्मनाथ की प्रतिमा जो है आपके इस मध्य भारत के सबसे बड़े जैन दादाबाड़ी में स्थापित की जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका जो चिन्ह है, हर एक जैन तीर्थंकर का अपना एक प्रतीक चिन्ह होता है, इनका भी एक अपना चिन्ह है वज्रदंड। वज्रदंड, वज्रदंड एक प्रकार का औजार है, त्रिशूल नुमा औजार। त्रिशूल क्या होता है, त्रिशूल के एक साइड में ही आपका ऐसे तीन आकार बने होते हैं, लेकिन ये वज्रदंड जो है इसके दोनों सिरों में आपके त्रिशूल नुमा आकृति बनी होती है, ये है आपका वज्रदंड। ठीक, नेक्स्ट देखिए, विशेष क्या है इससे संबंधित, देखिए यह इकलौती पंच शिखर मंदिर होगी, ऐसा मंदिर जिसके पंच शिखर होंगे, तो ये हमारे प्रदेश की इकलौती आपकी पंच शिखर मंदिर होगी। इसकी शिखर की ऊंचाई लगभग 51 फीट और लगभग 22,000 स्क्वायर फीट पर इसका निर्माण किया जा रहा है। इस मंदिर में आपके 600 श्रावक और श्राविकाओं के ठहरने की जगह होगी। श्रावक एवं श्राविका जैसे कि बौद्ध धर्म में आपके बौद्ध भिक्षु होते हैं जो घूम घूम करके अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, वैसे ही जैन धर्म में आपके श्रावक और श्राविका ही होते हैं। ठीक, तो 600 श्रावक एवं श्राविकाओं के ठहरने का बंदोबस्त किया जाएगा इस आपके मध्य भारत के सबसे बड़े जैन दादाबाड़ी में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, प्रश्न पूछा जाएगा मध्य भारत का सबसे बड़ा जैन दादाबाड़ी की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है, तो रायपुर में किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, गूगल में गोड़ी भाषा का यूनिकोड, गूगल में गोड़ी भाषा का यूनिकोड। देखिए ये जो आपका गोड़ी भाषा है ये बस्तर अंचल की संपर्क की भाषा है, यानी कि बस्तर अंचल में बोले जाने वाली सर्वाधिक भाषा, आपस में बातचीत करने की यानी कन्वर्सेशन लैंग्वेज है आपकी गोड़ी भाषा, बस्तर अंचल के संपर्क की भाषा। विशेष क्या है, गोड़ी भाषा को उन अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में शामिल कर लिया गया है जिसका अपना यूनिकोड होगा। ठीक है, गोड़ी भाषा को उन अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में शामिल कर लिया गया है जिसका अपना यूनिकोड होगा। अब ये यूनिकोड होता क्या है, यूनिकोड का मतलब देखिए
टाइपिंग का अपना एक लैंग्वेज होता है, जैसे कि अगर हम हिंदी में भी टाइप करते हैं कंप्यूटर या मोबाइल में या आपके इंग्लिश में टाइप करते हैं तो हर किसी का अपना एक यूनिकोड होता है, तो वैसे ही आपके गोड़ी भाषा का यूनिकोड बनाया गया है। अब इसका फायदा क्या होगा कि डायरेक्टली हम गोड़ी लैंग्वेज को, गोड़ी भाषा को मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू उसे टाइप कर सकते हैं, मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू उसे टाइप कर सकते हैं, ये कहलाता है आपका यूनिकोड। देखिए इसे विकसित किया गया है गूगल और न्यूजीलैंड के द्वारा, गूगल इंडिया यानी कि हमारे इंडिया के भी कुछ आपके इंजीनियर्स मौजूद थे और आपके न्यूजीलैंड, इन दोनों के सहयोग से इसे, इस गोड़ी भाषा का यूनिकोड तैयार किया गया है। गोड़ी भाषा को अब सीधे कंप्यूटर और मोबाइल में टाइप किया जा सकता है, ये इसका फायदा है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से किस एक प्रादेशिक भाषा का यूनिकोड गूगल द्वारा तैयार किया गया है, तो वो है आपके गोड़ी भाषा का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मोर बिजली ऐप। मोर बिजली ऐप इसे विकसित किया गया है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा। इसका कार्य क्या है, 16 से अधिक प्रकार के विद्युत संबंधित कार्यों का निपटारा करना, यानी कि बिजली बिल का भुगतान करना, बिजली संबंधित जो आपकी शिकायतें हैं उसका निपटारा करना, ऐसे जो है आपके 16 अलग अलग प्रकार के कार्यों का निपटारा करना इस मोबाइल ऐप का कार्य होगा। विशेष क्या है, हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है कि ये देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर विद्युत वितरण कंपनी उपभोक्ताओं को घर बैठे सुविधा मुहैया करा रही है। प्रदेश सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है कि हमारे प्रदेश की जो यह जो विद्युत वितरण कंपनी है यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ये पूरे देश की पहली ऐसी कंपनी होगी यानी विद्युत वितरण कंपनी होगी जो अपनी उपभोक्ताओं को घर बैठे इतनी सारी सुविधा मुहैया कराएगी। ठीक है, तो अलग अलग आपसे ऑप्शन देगा, मोर बिजली ऐप, दामिनी ऐप, विद्युत ऐप, तो ध्यान दीजिएगा मोर बिजली ऐप। ठीक है, मोर बिजली ऐप, ऐप का नाम क्या है। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट निर्णय। कैबिनेट निर्णय, अभी हाल फिलहाल में हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ कैबिनेट निर्णय लिया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला है, प्रदेश में किसानों के लिए अलग कानून बनाया जाएगा। प्रदेश में किसानों के लिए अलग कानून, आप सभी को मालूम होगा कि अभी प्रदेश का सबसे ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है आपका कृषि बिल जो काफी कॉन्ट्रोवर्सी भरा हुआ है, जिसके कारण हमारे प्रदेश के कैबिनेट सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि हम अपना एक अलग से किसान कानून यानी कि कृषि कानून बनाएंगे। ठीक है, तो अभी तो केवल कैबिनेट के द्वारा अनुमति दी गई है कि किसानों के लिए अलग कानून बनाया जाएगा, अभी इसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, उसके पश्चात ये कानून बनाया जाएगा। कुछ विभागों के नाम परिवर्तन भी किया गया है, अभी हाल फिलहाल में जो कैबिनेट निर्णय लिए गए हैं उसमें कुछ विभागों के नाम परिवर्तित किए गए, जैसे कि वन विभाग का नाम परिवर्तित करके अब वन और जलवायु परिवर्तन विभाग कर दिया गया है। ठीक है, हमारे प्रदेश का जो वन विभाग था, अब वन विभाग का नाम पूरी तरीके से परिवर्तित करके इसका नाम वन और जलवायु परिवर्तन विभाग कर दिया गया है। दूसरा एक बोर्ड है आपका राज्य औषधि पादप बोर्ड यानी कि औषधि से संबंधित जो पौधे है उसका जो एक बोर्ड था, उस बोर्ड का नाम परिवर्तित करके यानी कि राज्य औषधि पादप बोर्ड का नाम परिवर्तित करके अब छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड नाम रख दिया गया है। ठीक है, राज्य औषधि पादप बोर्ड का नाम परिवर्तित करके छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड इसका पूरा नाम कर दिया गया है। ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वन विभाग, वर्तमान में हमारे वन मंत्री है आपके मोहम्मद अकबर, और राज्य औषधि पादप बोर्ड का गठन कब हुआ ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका गठन वर्ष याद रखना है, ये प्रश्न आपके पूछा भी गया है एक साल, तो इससे रिलेटेड नीचे कमेंट करके बताइएगा पूरा डेट के साथ कि राज्य औषधि पादप बोर्ड की स्थापना कब हुई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सेंध पानी जलप्रपात। हाल फिलहाल में प्रदेश में खोजा गया एक नवीन जलप्रपात है आपका सेंध पानी जलप्रपात, जो कि जशपुर जिले में खोजा गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, प्रश्न पूछा जाएगा कि सेंध पानी जलप्रपात किस जिले में है, तो जशपुर जिले में। नेक्स्ट देखिए, जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ अभी हाल फिलहाल में हमारे जो है पूरे देश भर में सितंबर 2020 तक की स्थिति में एक जीएसटी कलेक्शन के डाटा आए हैं, जिसमें पहले स्थान पर है जीएसटी कलेक्शन करने के मामले में आपका जम्मू कश्मीर, जबकि दूसरे स्थान पर है हमारा छत्तीसगढ़। हमारे छत्तीसगढ़ में आपके सितंबर 2020 तक की स्थिति में 1841 करोड़ रुपए की जीएसटी का कलेक्शन हुआ है, जो कि पिछले साल से 24% अधिक है। ठीक है,
कोरोना के काल में भी हमारे प्रदेश में ये जीएसटी का कलेक्शन हुआ। इस आपके 1841 करोड़ के साथ हमारा छत्तीसगढ़ सेकंड पोजीशन पर है ओवरऑल इंडिया में। ये कलेक्शन आपके पिछले साल से यानी कि सितंबर 2019 के कंपैरिजन में सितंबर 2020 में ये आपके 24% अधिक है। ठीक, तो ये सारे डाटा याद रखिएगा। बताने के लिए तो और भी बहुत कुछ है, बहुत सारे छोटे छोटे और भी न्यूज़ आते हैं, लेकिन हर न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होते। और भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स अपडेट रहना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसमें बहुत सारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड कंटिन्यू उसमें अपडेट्स कराए जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। किसी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए।